आप लोग अटेंडेंस के खिलाफ है ऑनलाइन, ये मीडिया फैला रही है। अच्छा मीडिया में, हाँ मीडिया ये फैला रही है कि शिक्षक जो है ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में, कतई मैं विरोध में रहूं। मुझे मेरी जो मांगे हैं, हमारी कंडीशन ये है कि मैं सिंगल टीचर और मिडिल स्कूल में तीन तीन कक्षाओं का संचालन किस गति से हो रहा, किस दुर्दर कितनी दुर्गत हमारी हो रही, 62 इयर्स हमारी एज है, अभी लोग हैं लेखपाल नहीं है, राजस्व कर्मचारी नहीं है, पंचायत सेक्रेटरी नहीं है, क्या हम ही लोग हैं ग्राम प्रधान नहीं है, करोड़ों का बजट ग्राम प्रधान को दे रहे हो, उनसे भी कुछ सहयोग लो, हम ही लोग बचे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करिए तो इस समय एक मामला सबसे ज्यादा चर्चित है, वो है सरकार और शिक्षक को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने फरमान जारी किया है कि शिक्षकों का ऑनलाइन हाजिरी अटेंडेंस यानी अनिवार्य है, जिसको लेकर शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत से शिक्षकों ने यह भी कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर खंड शिक्षा हैदरगढ़ के शिक्षक मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने के प्रयास करेंगे। क्या अभी सरकार और जो शिक्षकों के बीच में तकरार है, ये कब तक जारी रहने वाली है? सबसे पहले तो जिंदाबाद के जो उच्च संगठन है, जो अभी बातचीत किया सरकार से, कोई अभी हल निकल पाया या फिर अभी हम लोग अनवरत जारी रहेंगे? नहीं, अभी कोई हल नहीं निकल पाया है। हम लोग जो है ऑनलाइन उपस्थिति में जो हमारी पुरानी मांगे हैं, मांगों को पूरा किए बिना ऑनलाइन उपस्थिति थोपा जा रहा है, इसके विरोध में है। और समाज में गलत विमर्श फैलाया जा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देना चाह रहे हैं, जबकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धनचंद शर्मा द्वारा 30 अक्टूबर और 9 नवंबर को शासन से वार्ता हुआ कि आपकी पुरानी मांगे मानी जाएंगी, और कोई मांगे मानी नहीं गई, उसके बाद दोबारा फिर ऑनलाइन उपस्थित हो पा गया। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग ऑनलाइन जो हाजिरी है मतलब अटेंडेंस है उसके खिलाफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ। हम लोग की मांगे कुछ कि हम लोग को हाफ सील माना, हम लोग स्कूल सुबह आ गए, अचानक घर पे किसी कैजुअलिटी हो सकती है तो हम लोग चले गए, जाएंगे तो भाई तो क्या वेतन काट देंगे? हमारा हाफ सील की व्यवस्था होनी चाहिए ना, मतलब जो अन्य विभागों में राज्य के जो बैंक में सब में हाफ सील, सब बस वही होना चाहिए। भाई हम लोग भी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट वेतन देती है तो स्टेट कर्मचारी दर्जा क्यों नहीं देती हम लोगों को? ये अफवाह कौन फैला रहा है कि आप लोग अटेंडेंस के खिलाफ ऑनलाइन? ये मीडिया फैला रही है। अच्छा मीडिया, मीडिया ये फैला रही है कि शिक्षक जो है ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में, कतई मैं विरोध में रहूं। मुझे मेरी जो मांगे हैं वो मांगे गवर्नमेंट मान ले, मैं कल से अटेंडेंस देना शुरू करूं। क्या मांगे हैं आप? हमारी जो है एक महीने में 7 दिन का हाफ सीएल दे दे, 30 दिन का ईएल दे दे, राज्य कर्मचारियों की बात कैशलेस सुविधा दे दे हमको, राज्य कर्मचारियों की बात जो है हमारे सारी सुविधाएं हमको दे, हम तैयार हैं, हम कहाँ भागते हैं? हम जब विद्यालय समय में होते हैं सुदूर ग्रामीण अंचल में, जहाँ नेटवर्क नहीं रहता, जहाँ नेटवर्क की समस्या है, वहाँ हम पहुँचते हैं, वहाँ डीबीटी करते हैं, वहाँ ऑनलाइन जो है बच्चों की फीडिंग करते हैं, सारा काम करते हैं। आज तक व्यवस्था गवर्नमेंट सिम तक नहीं दे रखा है, टैबलेट तो दिया ना, टैबलेट में सिम नहीं है अभी तक, अभी तक डाटा का कोई पैसा नहीं है, केवल हवा हवा है, हवा में हवा है, और इसीलिए हम लोग हवा में बह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि अभी आप लोगों ने अटेंडेंस ऑनलाइन किया कि नहीं? नहीं, अभी कैसे करेंगे? जब हमारी मांगे पूरी होंगी तभी हम करेंगे, जब तक नहीं होंगे कतई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अभी तक कतई नहीं करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि जो समाज में एक र्यूमर फैला रहा है कि शिक्षक जो है समय से विद्यालय नहीं आए, आप चेक कर रहे हैं, अधिकारी हैं, सब चेक करते हैं, सब अध्यापक टाइम से बोलते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मांगे हमारी हैं जो जायज मांगे। आप ये बताइए कि कोई अध्यापक अगर विद्यालय आ जाता है टाइम से और उसके बाद कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, मान लिया उसका कोई बच्चा बीमार हुआ, कोई बात आ गई तो वह जाना चाहता है छुट्टी लेके, तो उसकी कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उसका वेतन कोई आ जाता है तो उसका वेतन काटा जाता है, बल्कि कुछ हाफ सीएल दिए नहीं, 15 हाफ सीएल हम लोग मांग रहे हैं, ईएल मांग रहे हैं, जून मई जून में हमसे काम कराएं, और वैसे हम लोग काम करते भी हैं, हमसे काम कराएं और हमको थोड़ी हमारी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे उनको पूरा कर दें बस। अच्छा, मांगे अगर मैम नहीं पूरा होती तो फिर क्या करेंगे? तो हम लोग का यह संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा, जब तक हमारा ये हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अपना आंदोलन ऐसे ही अनवरत रोज बीआरसी पे आकर धरना देते रहेंगे, जिले पे धरना देते रहेंगे, अपनी आवाज को मुखर करेंगे, मुख्यमंत्री जी से अपना जो है हक हम लोग लेके रहेंगे। क्या लगता है आप लोग पढ़ाने जाते हैं? बिल्कुल, समय से जाते हैं, पूरी निष्ठा के साथ हम लोग पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी करते हैं, हमको ऑनलाइन उपस्थिति में हमें कोई आपत्ति नहीं। मतलब आप, हाँ बताइए जी, बताइए आप बता दीजिए कि जैसे आप ड्यूटी पे कहीं पे पहुंच गए और कोई ऐसी कैजुअलिटी घर में हो जाती है और आप वहां से जाना चाहते हैं, तो क्या जाना वाजिब की गलत है? जा सकते हैं, उसी समय कोई आदत चाहे और चेक करता है तो क्या होता है कि उसका वेतन रोक दिया जाता है, काट दिया जाता है, ये सुविधा होनी चाहिए नहीं होनी?
जी उच्च अधिकारियों को मैंने बता सकते हैं ना। हाँ, ये बात बराबर मांगे रखी जा रही है। पोर्टल लागू, जब से पोर्टल लागू हो गया है तब से हम लोग को ये बताने वाला कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम विद्यालय पे नहीं है किसी कारणवश तो हमारा वेतन रोका जाता है। अगर ये अगर सही से ये मांगे उच्च अधिकारी शासन तक पहुँचा दे तो हो सकता है शासन हमारी बात मान ले। अच्छा अभी तक मांगे क्यों नहीं मांगे आपकी पूरी? अरे यार मांगे, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, मैं कट्टर भाजपा ही हूँ, अच्छा घोषणा कर दूं मैं खुले मंच से। बट लेकिन अब यार कुछ सोचना तो चाहिए। 7 वर्ष हो गए, 7 वर्ष भाजपा गवर्नमेंट बने हुई, एक भी प्रमोशन किसी भी अध्यापक का नहीं हुआ। जूनियर शिक्षा मित्रों, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का आदेश हुआ, मानदेय नहीं बढ़ा। अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का आदेश हाईकोर्ट से हो गया, उसका नहीं। 8 साल से जिले के अंदर ट्रांसफर नहीं किए गए, किसी भी अध्यापक की पदोन्नति नहीं की गई। आपके विभाग के नेता क्या कर रहे हैं? नेता रोज चिल्ला रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है यार। नेता तो हम है, हमको कोई सुन रहा है? चिल्ला रहे, धरना कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, प्रदेश में जा रहे हैं, कोई सुनता है? अरे भगाए जाते हैं, भगाए जाते हैं, हाँ डंडा लेके दौड़ा दिए जाते हैं। बहुत स्थिति खराब चल रही है। अगर बात के लिए तो पहले के अपेक्षा विद्यालय में सुधार शत प्रतिशत हुआ है। विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है, विद्यालयों में पौधे लगाए गए, विद्यालयों में क्यारियों का निर्माण हुआ है, विद्यालयों में पाठ योजना कर स्वास्थ्य शिक्षण कार्य शिक्षक कर रहे हैं। शिक्षकों का काम नहीं हुआ, केवल शिक्षकों के काम नहीं हुआ, शिक्षक तरफ सोचने नहीं है। मतलब समाज से लेकर के और शासन तक सब शिक्षकों को निरीह प्राणी समझता है। इसको बैल, जो खेत का बैल बना दो, इससे कुत्ते की जांच करा लो, इससे भैंस की जांच करा लो, इससे भूसे की जांच करा लो, इससे बकरी की जांच करा लो। इसको अगर गांव में शौच करने लोग जा रहे हैं तो सीटी बजावे शिक्षक, ये भी काम कराया इस गवर्नमेंट ने, कुछ बाकी नहीं रखा है। समाज के लिए करवाया है, समाज के लिए तो यार हम ही लोग है, लेखपाल नहीं है, राजस्व कर्मचारी नहीं है, पंचायत सेक्रेटरी नहीं है, क्या हम ही लोग है? ग्राम प्रधान नहीं है? करोड़ों का बजट ग्राम प्रधान को दे रहे हो, उनसे भी कुछ सहयोग लो, हम ही लोग बचे हैं। अच्छा क्या लगता है कि अगर जैसे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, क्या आपको लग रहा है कोई निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा नहीं तो चलेगा? नहीं बिल्कुल निष्कर्ष निकलेगा। अगर निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो ये जो संघर्ष है, संघर्ष अनवरत रूप से जारी रहेगा, और ये संघर्ष का ही परिणाम है कि आज 45 शिक्षक संकुल है हमारे यहाँ, ये इस ब्लॉक के 45 शिक्षक संकुलों ने इस्तीफा दिया है सामूहिक रूप से। अच्छा दे दिया है? दे दिया है, और ये केवल इस ब्लॉक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश स्तर पे चल रहा है। इस्तीफा भैया खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को? अच्छा स्वीकार किया नहीं उन्होंने? स्वीकार हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा? मेल कर दिया गया, रजिस्ट्री कर दी गई। अच्छा जैसे अगर मांगे पूरी तो इस्तीफा वापस हो जाएगा क्या? नहीं, वो विचार किया जाएगा, हमारा संगठन विचार करेगा उस पर। जब सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही, उस पर विचार नहीं कर रही, टेबल टॉक नहीं हो रही है, यहाँ महीने भर हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, हमारे संघर्ष को दमन किया जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से कार्य नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं सरकार को भी झुकना पड़ेगा, विभाग को भी झुकना पड़ेगा, हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। हम लोग हर समय काम करते हैं, उनके हर एक आदेश का पालन करते हैं, गर्मी की छुट्टी में हम लोग बाल गणना करते हैं, ठीक है, वो सारे कार्य करते हैं जो कोई विभाग नहीं करता है। ये हमारा शिक्षा विभाग ये ऐसा विभाग है जो अन्य सारे विभागों के कार्य करते हैं। कहना नहीं चाहिए, मैं कह नहीं सकते। हम एक कद कहना चाहूंगा, जैसे आपने बात कही, शायद बहुत से विभागों के लोग आरोप भी रहते हैं सबसे ज्यादा शिक्षकों को वेतन भी दिया जाता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अलग से क्या वेतन दिया जाता है हमको? वो आरोप लगाने को आप किसी पे कोई आरोप लगा दीजिए, लेकिन अलग से क्या दिया जा रहा है आपको बताइए भाई। हर हर विभाग में किसी भी कर्मचारी को अच्छा एचआर मिलता है, अच्छा टीए मिलता है, ठीक, मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास मूल वेतन और डीए के अलावा कुछ अगर हो तो बता दीजिए, कुछ नहीं है। ग्रामीण भत्ता के नाम पर 1340 रुपए दिया जा रहा है, आप बताइए 1340 में कौन सा कमरा मिलेगा? कोई कमरा अगर मिल रहा हो बताइए। चिकित्सा के नाम पर हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास छुट्टियों के नाम पर, हमारे छुट्टियों के नाम कुछ नहीं है। 14 CL के अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हमारे किसी साथी को विवाह करना होता है तो मेडिकल लेके जाता है विवाह करने के लिए, आप बताइए, ठीक है। अगर किसी कार्यक्रम में जाना है तो मेडिकल लेता है। अरे मेडिकल का व्यक्ति, जो व्यक्ति खुद मेडिकल पे, विवाह कार्यक्रम कैसे कर रहा है, ठीक है, वो कहीं क्या कर रहा है भाई? बहुत है आप मांगे, बहुत है, कुछ तो मानी जाए। मेरा कहने का मतलब ये, अगर ऑनलाइन अटेंडेंस वाला मामला नहीं होता तो शायद शिक्षक संघ इतना एकजुट नहीं होता। देखिए पहले से चल रहा है, सारी मांगे पहले से चल रही है। ये कम मानदेय पर अनुदेशक और शिक्षा मित्र कैसे देंगे? उनका कभी पूछा जाए कि उनका मानसिक खर्चा कैसे चलता है?
होता है, मंथली कैसे अपना काम घर का पूरा करते हैं इस महंगाई के दौर में, बता दो मैम क्या करें आप। हाँ, अनदेशक शिक्षा में तो 10,000 में किसी के परिवार का भरण पोषण आज के युग में होता हो तो बताइए, और 10,000 में हमारा अनदेशक शिक्षा मित्र 11 महीने का पूरा वर्क पूरा कर रहा है। तमाम समस्याएं मुद्दे तो आपकी मांगे तमाम है, सरकार को सरकार मांगेगी या नहीं मांगेगी ये तो भविष्य के, लेकिन अभी जैसा भी मामला चल रहा है तकरार और सरकार के बीच शिक्षकों का तकरार, कितने दिन चलाएंगे आप लोग? जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होंगी, जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तकरार चलती। अच्छा, ये आप शिक्षण काल के बाद आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार से बात करने के लिए हम लोग समय समय पे धरना इको गार्डन और महानिदेशक कार्यालय पे किए। अभी पिछले साल अक्टूबर में हम लोग ने ये धरना दिया और उसके बाद हमें जो है टेबल पे बात करने के लिए बुलाया गया और हमने मांगे रखी और उसमें बहुत सी जो मांगे थी हमारे लिए बहुत जरूरी थी, काफी दिनों से लंबित है। सरकार उस पर मौखिक सहमति भी जाहिर करती है कि हाँ आपको मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जनपद बाराबंकी में 2016 से अभी तक कोई पदोन्नत नहीं हुई है और वर्तमान में बताया जाता है पदोन्नत के लिए कोई पद ही नहीं है। जनपद बाराबंकी में और जुलम नहीं हुई ना, पूरे पूरे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश बात है, पूरे उत्तर प्रदेश साथ में एक साथ में होगी बिल्कुल। नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले हैं जहाँ 10 वर्षों से पदोन्नत नहीं हुई है, हमारे बाराबंकी में पिछले 7 वर्षों से पदोन्नत नहीं हुई है। हमारे कई साथी जो है जिनका पदोन्नत के लाइन पे है लेकिन अभी पदोन्नत सरकार नहीं दे पा रही है, लगातार पद जो है। मैडम आप बहुत परेशान है। हाँ, हम इंचार्ज संभाल रहे हैं। हमको हेडमास्टर का वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो हमसे हेडमास्टर वाला काम लिया जा रहा है तो हमको हेडमास्टर का वेतन मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन हम इंचार्ज संभाल रहे हैं। शायद अभी आपकी पदोन्नत नहीं हुई हो। अभी पदोन्नत नहीं हुई, पदोन्नति ने ऑर्डर किया है कि जो इंचार्ज है उनको प्रधान अध्यापक का हक मिलना चाहिए, उनको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है। तो ये मिलनी चाहिए ना, ये सब चीज सरकार से आपको बात करनी चाहिए ना। तो इस चीज के लिए सरकार से आपके माध्यम से पहुँचा तो रहे अपनी बातों को, आप लोगों के माध्यम से अपनी बात पहुँचा रहे हैं। हम लोग एक चैनल के माध्यम से जाएंगे, हम डायरेक्टली जाके मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते। तो हम अपना संघर्ष जो है पहले ब्लॉक स्तर पे, फिर उसको जिले स्तर पे, उसको प्रदेश स्तर पे, उसके बाद जाके मुख्यमंत्री अदालत में जाएंगे, चाहे उनके जो है सब वो जो उनका सुनते हैं। नहीं रहा शिक्षकों की सुन कोई नहीं रहा, थोप रहा। आज तो हम लोगों ने संकुल, हमारे संकुलों ने जो है इस्तीफा दिया है और हम बहुत अति शीघ्र जो है प्रधानाध्यापक जो है नहीं है, प्रभारी है हम लोग, केवल इंचार्ज का पद दे रखा है, तनख्वाह नहीं है, मेंटल प्रेशर इतना दे दिया गया है, सारा काम डीबीटी ऑनलाइन सब करना है, इतने सारे गैर शैक्षणिक कार्य है जो हम लोगों को दिए गए हैं एज अ टीचर, वो सब कामों से हम लोग को मुक्त रखा जाए। हमारी 15 CL, 30 EL और PL प्रतिकर अवकाश नहीं मिलता, बताइए। संडे को बुलाते हैं पोलियो में ड्यूटी लगाने के लिए और उसके बाद जो है उसका हमको कोई प्रतिकर अवकाश नहीं दिया जाता है। कैशलेस सुविधा, अभी हम बीमार पड़ जाए 4 दिन तो हमारा पैसा हमारी तनख्वाह से खत्म हो जाता है, घर में पैसे नहीं रह जाते फिर लोगों के पास। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग खड़े हुए हैं और मेडिकल लीव भी खत्म हो जाती, कोई इस तरह की सुविधा हम लोग के पास नहीं है। ऑनलाइन उपस्थिति के हम लोग बिल्कुल भी खिलाफ में नहीं है, खिलाफ नहीं है। हम लोग आज भी विद्यालय समय से जा रहे हैं, अपनी सेल्फी खींच करके अपने फोन में GPS कैमरे के थ्रू रख रहे हैं, इसलिए ताकि भविष्य में अगर हम लोग को इस चीज को लेकर के परेशान किया जाए तो हम कोर्ट का दरवाजा फिर से खड़खड़ाएंगे। एक सवाल एक लाइन में आपसे बात करें, क्या इस पूरे प्रकरण को क्या राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है? क्या कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं इसमें केवल अपनी समस्याओं के बारे में हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। राजनीतिक हम लोग सारे टीचर किसी भी राजनीतिक मुद्दे से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारी कंडीशन ये है कि मैं सिंगल टीचर और मिडिल स्कूल में 3-3 कक्षाओं का संचालन किस गति से हो रहा, किस दुर्गत कितनी दुर्गत हमारी हो रही, 62 ईयर्स हमारी एज है, इस अवस्था में भी हमको सारे कार्य संचालन करने पड़ते हैं सिंगल टीचर होते हुए। क्या मिडिल की यही व्यवस्था होती है? लिखित में आप लोग ने मांग नहीं की, मांग क्या? पोर्टल पे सारी सूचनाएं उनको इंगित है, सारी सूचनाओं के बारे में वो जानते हैं। मैंने एक बार BO सर से कहा भी, उन्होंने कहा ये हमारी समस्या का समाधान नहीं है, ये पोर्टल पर सूचित है और उसको सरकार स्वयं जानती है कि पोर्टल पर कहाँ कौन कितना टीचर है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खंड शिक्षा हैदरगढ़ के जो है शिक्षक थे लगातार, इनका एक तो एक बात तो साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों का कि ये लोग जो है ऑनलाइन जो है अटेंडेंस उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो इनका ये धरना अनवरत इसी तरह चलता रहेगा।